सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज पुलिस के द्वारा किए गए हमले के खुलासे पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि सहारनपुर पुलिस के वो खुलासे से संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने जल्दबाजी में खुलासा किया है, यही कारणों तक सही कारणों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। सहारनपुर पुलिस जिन बच्चों को सही से खाना नहीं आता उन्हें वो अचानक से किसी पर गोली चला देंगे। इस दौरान उनके साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम, बिजनौर से पूर्व विधायक रही रुचि वीरा और कई बड़े नेता मौजूद रहे। पुलिस ने पीसी करके बताया कि उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुझे यूपी पुलिस की काबिलियत में पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा मानना है पुलिस सरकार की होती है और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूँ कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियाँ जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि चार नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं वो आके किसी पे गोली चला देंगे, और जिस तरह की पुलिस ने कहानी करके बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं।